हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी ये गद्दी बनाने का एक आसान सा तरीका। यहाँ पे दोस्तों जो हमने गद्दी बनाई है ये बहुत ही कंफर्टेबल है और इसको आप किसी भी चेयर पे या गाड़ी पे यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी सी ये गद्दी है। तो आइए सीखते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। दोस्तों जो आपने गद्दी देखी है उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे चार तो पट्टियाँ ये वाली ली हैं इस तरीके से, और एक सेंटर के लिए ये वाला पीस लिया है। तो सबसे पहले इनका साइज जान लेते हैं। यहाँ पे जो साइज होगा हमारा ये होगी हमारी 12 इंच की, 12 इंच की, 12 बाई 12 की ये हमारी सेंटर वाला पीस होगा। और ये वाली पट्टी होगी हमारी 4.5 इंच की, 4.5 की। और इस तरीके से लेंथ देखेंगे तो तकरीबन हमने 18.5 से 19 इंच की रखी हुई है, क्योंकि बाद में जो एक्स्ट्रा होती है वो कटिंग हो जाती है। तो 1 2 3 चारों साइड के लिए चारों पट्टी हमें यहाँ पे चाहिए है। तो सबसे पहले हम इसका इस तरीके से सेंटर पॉइंट बनाते हैं सेंटर वाली गद्दी का। यहाँ पे ध्यान रखना है सेंटर पॉइंट आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। चारों साइड का हमने ये सेंटर पॉइंट ऐसे बना लेना है। देखिए यहाँ पे हमने चारों साइड में कट लगा दी है। इसके बाद हमारे पास जो ये वाली पट्टी है चार, इनका भी हम सेंटर पॉइंट बना लेंगे इस तरीके से। ऐसे ही कट लगा लेंगे इसमें भी। ये देखिए यहाँ पे ये भी हमने सेंटर पॉइंट बना लिया है। अब हम एक एक पट्टी करते हुए यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे आपने ध्यान देना है ऐसे सेंटर पॉइंट बुलाना है और यहाँ पे सिलाई की शुरुआत करनी है आधा इंच छोड़ते हुए, और आधा इंच पहले ही सिलाई को पूरा कर लेना है। एक साइड में हमने ये पट्टी लगा दी है, सेम ऐसे ही हम यहाँ पे दूसरी साइड में लगाएंगे। अब हम यहाँ पे तीसरी साइड में लगाएंगे। तो यहाँ पे ये वाली पट्टी हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं ऐसे, जिससे कि ये दबे ना। और यहाँ पे सेंटर पॉइंट बनाते हुए ऐसे यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे ये लास्ट वाली पट्टी भी लगा लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे चारों साइड में ये पट्टी लगा ली है और पट्टी लगा के हमने प्रेस कर ली है। प्रेस करने के बाद आपकी जितनी भी पट्टी एक्स्ट्रा होती है वो आपने काट देनी है बिल्कुल सीधी। तो मैंने चारों साइड से जो भी पट्टी एक्स्ट्रा थी वो कटिंग कर दी है। अब हमें इसमें यहाँ पे कॉर्नर बनाने हैं। तो कॉर्नर बनाने के लिए आपको ये पट्टी ऐसे मिलानी है, यहाँ पे ये ध्यान रखें इस तरीके से। ऐसे मिलाने के बाद हमारी जो सिलाई आएगी यहाँ पे इस सिलाई से आएगी ऐसे। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कैसे हमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल बराबर आनी चाहिए ये ध्यान रखें। और इस सिलाई से इस कॉर्नर को हम यहाँ पे ऐसे सेट करना है। और अब हम सिलाई की शुरुआत करेंगे इसी कॉर्नर से, यहाँ पे पक्का करते हुए। एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा वो काट देंगे, सिर्फ हमें आधा इंच का ही यहाँ पे कपड़ा रखना है इस तरीके से। तो यहाँ पे ये कॉर्नर हमारा ऐसे आ जाएगा। आप इस सिलाई को चीर भी सकते हैं, एक साइड भी फोल्ड कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है ऐसे। तो कॉर्नर तैयार होने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा नजर आएगा। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे बाकी के 1 2 3 तीनों कॉर्नर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, चारों कॉर्नर हमने यहाँ पे कर लिए हैं कंप्लीट, और आप देख रहे होंगे कितनी प्यारी सी यहाँ पे हमारी फिनिशिंग आई है प्रॉपर तरीके से। अब हमें इस साइड में लगाना है एक पीस। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए इस तरीके के
एक हम पीस लेंगे यहाँ पे ऐसे, और इसको हमें स्टिच करना है। स्टिच करते वक्त आपने ध्यान रखना है जो सिलाई लगानी है हमें अंदर की साइड लगानी है। यहाँ पे हम एक साइड से यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमने सिलाई की स्टार्टिंग की है और तकरीबन हम इसमें 3 इंच का या 2.5 इंच का गैप रखेंगे और यहाँ पे सिलाई पूरा कर देंगे। ये देखिए हमने 2.5 इंच का गैप रखा है और सिलाई को कर लिया है पूरा। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे जो गैप रखना है, जैसे ये वाला जो हमारा गैप होगा ये देखिए, तो इसमें डालनी है हमें रुई। तो रुई है हमारे पास ये वाली, तो इसको हम फ्लफी कर लेते हैं थोड़ा इस तरीके से खींच के, ये इस तरीके से सेट करेंगे और इसमें अंदर की साइड डालेंगे छोटे छोटे, मतलब इस तरीके से सेट करते हुए यहाँ पे इसमें डालते जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे रुई डाल ली है। रुई डालने के बाद अब हमारा जो ये गैप है हम इसको बंद कर देंगे, सेम वैसे ही सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हमने जो छोटी थी सिलाई वो पूरा कर लिया, ये हमने कर ली है सिलाई पूरी। इसके बाद आपने ध्यान देना है यहाँ पे जो हम सिलाई लगाते हैं, देखिए हर जगह आपने इतना गैप छोड़ना है तकरीबन 2 से 2.5 इंच का चारों साइड में। ये भी हम रुई डालने के लिए ही छोड़ेंगे, ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे और यहाँ पे ऐसे पक्का करेंगे और फिर 2-2.5 इंच का गैप छोड़ते हुए ऐसे फिर आगे की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे भी गैप छोड़ देंगे। तो ये देखिए हमने चारों साइड में यहाँ पे ये हल्का हल्का गैप छोड़ दिया है रुई डालने के लिए। अब हमें पहले ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है इसको काट लेना है बिल्कुल बराबर बराबर, चारों साइड का ऐसे ही काट लेंगे। तो एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो हमने काट लिया है। अब हम यहाँ पे भी रुई भरेंगे सेम ऐसे ही। यहाँ पे बस ध्यान आपने ये रखना है थोड़ी थोड़ी सी रुई लेनी है और जो भी गैप है हमारा इसमें डालते जाएंगे ऐसे दोनों साइड में अच्छे से इसको डालते जाएंगे। जितना आपको सही लगता हो रुई डालने का, मतलब आपने ऐसा नहीं कि ठोक के डालनी है या कम डालनी है, जितना सही से डाल सकते हो उतना आप इसमें रुई डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे रुई आ जाएगी, तो मैं थोड़ी और डाल लेता हूँ और चारों साइड ऐसे ही रुई को फिल कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों हमने चारों साइड में रुई यहाँ पे फिल कर ली है पूरी, और अब हमें जो ये गैप है चारों साइड का ये इस तरीके से बंद करना है। यहाँ पे ऐसे करेंगे और ये सिलाई कर लेंगे कंप्लीट। तो चारों साइड की सिलाई हम इसी तरीके से यहाँ पे अंदर रुई डालते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे ये बंद हो जाएगा मुंह। ये देखिए इधर की और इधर की भी कर लेता हूँ।
तो ये देखिए दोस्तों, चारों साइड का जो गैप है हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, बंद कर लिया है। अब आपने यहाँ पे ध्यान देना है, चारों साइड में लगानी है पट्टी। तो तकरीबन हमने 2 इंच चौड़ाई वाली ये पट्टी ऐसे लेनी है और इस पट्टी को यहाँ पे ऐसे रखेंगे नीचे की साइड इस तरीके से, और इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो हमारी ये सिलाई है इसी के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए यहाँ पे। थोड़ा हमें रुई को दबा के तब सिलाई लगानी होगी, ये ध्यान रखना है। मैं आपको एक पट्टी पूरी लगा के दिखाऊंगा, बाकी फिर चारों पट्टियाँ चारों साइड हम उसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। देखिए ये मैंने पट्टी अटैच कर दी है। अब हम यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और फोल्ड करके यहाँ पे ऊपर से लगाएंगे सिलाई। ये देखिए एक साइड की पट्टी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, बाकी हमारी तीनों साइड रहती हैं। तो तीन पट्टियाँ हैं हमारे पास, 1 2 3, तो तीनों पट्टियाँ यहाँ पे ये भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये जो चारों साइड है पट्टी लगा ली है, और चारों साइड पट्टी लगाने के बाद पूरी फिनिशिंग हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएगी, और नीचे की साइड हमारी ये गद्दी ऐसी रहेगी। तो इस गद्दी को आप यूज कर सकते हो किसी भी सीट पे, गाड़ी की सीट होगी या वैसी कोई भी चेयर हो जाती है उसके ऊपर यहाँ पे यूज कर सकते हो, फिर बैठ सकते हो, काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी। और बहुत ही प्यारी सी हमने बनाई है पूरी फिनिशिंग के साथ में, और कलर कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।